class 11 students welcome back to my youtube channel so today we are going to start with a new chapter of your history that is paths to modernization सो दिस वीडियो विल बी पार्ट वन और इस वीडियो के अंदर हम आपका इस चैप्टर का जापान वाला जो भी पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे यानी कि पेज नंबर टू फोर्टी थ्री तक जो भी जापान के बारे में है या फिर जो भी कंटेंट है वो सारा हम कवर कर देंगे एंड पार्ट टू आएगा उसके अंदर आपके फर्दर टॉपिक्स कवर किए जाएंगे सो so, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कुछ एशियन कंट्रीज़ के अंदर जैसे कि ताइवान जापान चाइना और कोरिया के बारे में कैसे इन्होंने इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करा अपनी कंट्री के अंदर क्या ये सही में पहले इतने मॉडर्न थे नहीं भाई ये पहले इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं होते थे आज के टाइम पे इतने ज़्यादा मॉडर्न है तो इनका मॉडर्न होने तक का सफ़र क्या था क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनका इन्होंने सामना करा क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस करे तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं उस टाइम पे कैसी सिचुएशन होती थी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था तो वो सारी चीजें हम आपकी कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन इस नाम से आप क्या समझ पा रहे हो कि कौन से पाथ्स कौन से रास्ते जो हैं वो अडॉप्ट करे थे इन देशों ने मॉडर्नाइज होने के लिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आना बल्कि एडवांसमेंट इन आइडियाज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन एवरी थिंग रेफर्स टू मॉडर्नाइजेशन ग्रोथ होना डेवलपमेंट होना तो कैसे इन्होंने इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर रही

अलग अलग रास्ते अपनाए एक इंडिपेंडेंट और मॉडर्नेशन क्रिएट करने के लिए ठीक है तो ये सारी चीजें हम आपकी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सोर्सेस देख लेते हैं नाउ सबसे पहले देखते हैं हम सोर्सेस सोर्सेस का क्या मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर की गई है तो डायनेस्टिक हिस्ट्रीज अलग अलग जो डायनेस्टीज होती थी चाइना के अंदर जापान के अंदर तो वो जो हिस्ट्रीज लिखते थे जो उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे तो वो हमारा एक मेजर सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन होता था जो रिकॉर्ड्स मेन्टेन करे जाते थे तो उनकी हमने हेल्प ली थी इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए स्कॉलरली राइटिंग जो स्कॉलर्स उस टाइम पर राइटिंग लिखा करते थे टेक्सट लिखा करते थे साथ ही साथ जो उस टाइम पे जो लिटरेचर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था जो उस टाइम पे प्रिवेल करता था रिलीजस लिटरेचर तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी सोर्सेज रही हैं इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हमें ये इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली है कि भाई पहले ऐसा होता था ये हुआ और ये हुआ तो ये हमें इन सोर्सेज के माध्यम से पता चला है तो चाइना की अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो चाइना कुछ ऐसा दिखता है और जापान की वहीं हम बात करें तो जापान ऐसा दिखता है चाइना एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल कंट्री है बहुत बड़ा साइज है चाइना का इसका मतलब चाइना के अंदर तीन मेजर रिवर सिस्टम देखने को मिलते हैं येलो रिवर यांगजे रिवर और पर्ल रिवर और चाइना का ज्यादातर एरिया जो है वो माउंटेनियस रीजन है तो ये चाइना की ज्योग्राफी थी वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापान एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है कुछ ऐसा जापान दिखता है जापान के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जैसे कि हॉन्शू क्यूशू शिकोकू एंड हुईडो तो इन ग्रुप ऑफ आयलैंड से जापान कंप्राइज करता है सो so जापान के अंदर कोई इतना बड़ा मेजर रिवर सिस्टम देखने को नहीं मिलता पचास परसेंट एरिया जापान का माउंटेनियस है और ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है दिस एरिया इज वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन अगर आप चाइना के एथनिक ग्रुप्स की बात करें सो इन चाइना बहुत सारे डाइवर्जेंट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जैसे कि हैं उइगुर हुई मानचू एंड तिब्बतन वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापान की जो एथनिक ग्रुप है वो होमोजेनस है यानी कि सेम काइंड की पॉपुलेशन रहती है इतने ज़्यादा कोई एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर देखने को मिलते नहीं ज़्यादातर जापानीज लोग हैं या फिर कोरियन है या फिर आइनू है, लोग हैं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर कैंटूनीज़ और चाइनीज लैंग्वेज बोली जाती है वहीं जापान के अंदर जापानीज़ लैंग्वेज पे करती है चाइना के अंदर जो मेज़र फूड है वो है वीट पेस्ट्रीज डम्पलिंगस डिमसम और राइस ये चीज़ें कंज्यूम करी जाती हैं वहीं पर जापान में राइस फिश ज़्यादातर रॉ फिश जिसे हम शाशिमी या शूशी कहते हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस डिश है जापान की तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कंज्यूम की जाती हैं सो so, ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन सो so आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर हम पहले आपका जापान जो है वो कवर करेंगे यानी कि पार्ट वन है ये इसके अंदर पूरा जापान कवर करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं जापान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में तो ट्वेल्थ सेंचुरी तक क्या होता था जापान के अंदर जो पावर थी ना वो एम्प्रय से शोग के पास आ गई थी शोगुंस कौन से होते थे जो चीफ मिलिट्री कमांडर्स होते हैं उन्हें शोगुंस कहते हैं और वो ईडो में रहने लगे थे इडो क्या है भाई टोक्यो टोक्यो को ही ईडो बोला जाता था पहले कंट्री को 250 सौ डोमेन्स में बांटा गया था डायम्यो के अंदर अब डोमेन्स क्या होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर स्टेट्स होते हैं वहाँ पर डोमेन्स होते थे तो डायमो कौन होते थे डायमो को लोड्स कहते हैं या फिर हमारे इंडिया के अंदर जैसे जमींदार्स होते थे ना जो लैंड को कंट्रोल करते थे तो वैसे ही वहाँ पर डायमो होते थे ठीक है तो उन्होंने जो कंट्री थी उसको 250 सौ के अंदर स्टेट्स हम कह सकते हैं उसके अंदर बांट रखा था वो जो है कैपिटल में रहते थे उन्हें बोला गया था कि भाई तुम कैपिटल में रहो ताकि रेबेलियन देखने को ना मिले समुराय कौन था भाई अब समुराय एक रूलिंग एलाइट होती थी जो कि शोगुन्स और डायमो दोनों को सर्व करती थी सिक्सटीन सेंचुरी में बहुत बड़े बड़े, बड़े बदलाव आए अब क्या थे ये बदलाव पेजेंट्री को डिसआर्म्ड कर दिया गया यानी कि पेजेंट्री को बोल दिया गया कि भाई तुम अब हथियार नहीं रख सकते और साथ ही साथ डाइनो को ऑटोनॉमी तो दे दी गई और ज्यादा पावर दे दी गई और साथ ही साथ लैंड सर्विस भी होने लगे ताकि प्रोडक्टिविटी इंश्योर की जा सके और तय किया जा सके भाई ये ये लैंड बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है तो यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू लिया जाए तो इस चीज़ के वजह से लैंड सर्विस करवाए गए अब जापान के अंदर इस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज भी आ गई थी जैसे कि ईडो यानी कि टोक्यो ओसाका क्योटो इससे क्या हुआ इकोनॉमी की अब धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी थी कमर्शियल इकोनॉमी बनने लगी थी और साथ साथ वाइब्रेंट कल्चर भी देखने को मिलने लग गया लग गया था अब पैसे का इस्तेमाल बढ़ने लग गया था जापान के अंदर इस वजह से स्टॉक मार्केट की क्रिएशन हुई और स्टॉक मार्केट की क्रिएशन की वजह से इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ इस टाइम में इस टाइम पे क्या हुआ भाई और भी ज़्यादा सोशल और कल्चरल चेंजेस भी देखने को मिले और साथ ही साथ इस टाइम में चाइना की इन्फ्लुएंस भी बढ़ रही थी तो लोग क्वेश्चन करने लगे थे कि भाई चाइना की इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ रही है चाइना का क्या मतलब है यहाँ पर और साथ ही साथ जो लोग थे ना वो जापानीज लिटरेचर को प्रमोट करते थे कि भाई हमारा लिटरेचर बहुत बेस्ट है हमें इसे स्टडी करना चाहिए तो अब ये चीज़ जो है वो जापान के अंदर शुरू हो गई थी नेक्स्ट टॉपिक इज मीजी रिस्टोरेशन 1853 में क्या हुआ यूएसए ने मैथ्यू पैरी को जापान में भेजा ठीक है और बोला कि चलो अब जापान बहुत हो गया है बहुत आइसोलेशन हो गई है अब हमारे साथ तुम ट्रेड और डिप्लोमैटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दो अब पैरी के आने से क्या हुआ जापानीज पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला क्या हुआ 1868 में एक मूवमेंट हुआ था जिससे क्या हुआ शोगन अब पावर से हट गए थे शोग के पास अब पावर नहीं थी अब पावर आ गई थी एम्प्रियर के पास और एम्प्रियर कहाँ आ गए थे अब टोक्यो में ईडो में अब जापानीज जो थे ना वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के बारे में अवेयर थे यानी कि यूरोपियन कंट्रीज अपनी कॉलोनीज बना रही है इंडिया में और दूसरे दूसरे देशों में कुछ स्कॉलर्स क्या कहते थे कि हमें यूरोप से कुछ सीखना चाहिए ठीक है यूरोप के नए आइडियाज को हमें अपनाना चाहिए जबकि कुछ कहते थे नहीं यूरोपियन से तो दूर ही रहना अच्छा है कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए हमें ग्रेजुअल और लिमिटेड ओपनिंग करनी चाहिए दुनिया के साथ यानी कि ऐसा नहीं है एकदम से रिलेशन एस्टेब्लिश कर ली धीरे धीरे ओपन करो अपने देश को ठीक है तो ये तीन अलग अलग आइडियोलॉजीज थी लोगों की अब गवर्नमेंट ने क्या करा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली उस पॉलिसी के अंदर स्लोगन दिया गया रिच कंट्री एंड स्ट्रांग आर्मी और इसे हम फुकोकू क्योही भी बोलते हैं जापानीज में तो ये नाम आपको याद रखना है फुकोकू क्योही आई एम सॉरी अगर मैं इसे रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूं तो ये इसे जापानीज में बोलते हैं फुकोकू क्योही तो ये पॉलिसी आई उसके अंदर इस स्लोगन दिया गया था रिच कंट्री और स्ट्रॉन्ग आर्मी भाई अब ये क्यों करा गया था ताकि लोगों के अंदर एक नेशन हुड की भावना आ जाए नेशनलिज़्म जाग जाए अभी तक लोग सब्जेक्ट्स होते थे यानी कि प्रजा होते थे राजा रूल करता था लेकिन अब चाहते थे वो गवर्नमेंट कि अब सब्जेक्ट्स वाला कंसेप्ट खत्म हो जाए सिटीज़न्स बन जाए यानी कि एक कंट्री बने कंट्री के अंदर लोग हों सिटीजन्स हों ठीक है यानी कि प्रजा नहीं रहे सिटीज़न्स बन जाए तो इस चीज़ के लिए नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए ऐसा किया गया था अब नए गवर्नमेंट ने एक एम्पर सिस्टम बनाने की भी कोशिश करी थी जिसके अंदर राजा ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री होती थी ये तीन ऑर्गन्स जो थे वो सिस्टम का पार्ट होते थे एम्प्रेर को सन गॉडेस के डिसेंडेंट की तरह जो है ट्रीट किया जाता था और वेस्टर्नाइजेशन के लीडर की तरह भी उनके बर्थडे को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता था और साथ ही साथ वो कैसे कपड़े पहनते थे वेस्टर्न स्टाइल के मिलिट्री यूनिफॉर्म जैसे वो कपड़े पहनते थे वेस्टर्न स्टाइल में जो मिलिट्री यूनिफॉर्म होती थी ना वैसे कुछ कपड़े होते थे अब एम्प्रेयर के तो ये कुछ रिफॉर्म्स आ रही थी चेंजेस आ रहे थे अब इस टाइम के अंदर क्या हुआ बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स आए जैसे कि एजुकेशनल रिफ़ॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तो वो रिफॉर्म्स हम समझते हैं सबसे पहले एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या हुआ इस टाइम पे जो यूनिवर्सल और कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम बॉयज़ और गर्ल्स के लिए शुरू कर दिया गया एटीन से यानी कि सबको पढ़ना है कंपल्सरी है पढ़ना बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ये शुरू कर दिया गया एटीन में दूसरा रिफ़ॉर्म क्या था करिकुलम जो है वो वेस्टर्न आइडियाज़ के ऊपर बेस था लेकिन जापनीज हिस्ट्री की स्टडी के ऊपर भी एम्फेसाइज किया गया था कि भाई चलो वेस्टर्न की जो चीज़ें हैं वेस्टर्न आइडियाज़ पढ़ाए तो मैं जाएंगे लेकिन साथ ही साथ जापानीज हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करिकुलम को कंट्रोल करने लगी थी साथ ही साथ कुछ टेक्स्ट बुक्स सिलेक्ट करती थी टेक्स्ट बुक जो है उनके लिए फ्रेमवर्क रेडी करती थी और टीचर्स की ट्रेनिंग को भी कंडक्ट करवाती थी टेक्स्ट बुक से चिल्ड्रेन जो है वो क्या समझते थे क्या सिखाया जाता था चिल्ड्रेन को कि तुम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो लॉयल रहो नेशन के प्रति और गुड सिटीजंस तुम्हें बनना है तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी बच्चों को ना नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो मीजे गवर्नमेंट ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया पुराने ओल्ड विलेज और डोमेन बाउंड्रीज़ को अल्टर करके अब हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के पास सफिशिएंट रेवेन्यू होना चाहिए लोकल स्कूल्स और हेल्थ फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए also, ये एक सेंटर ऑफ रिक्रूमेंट फॉर आर्मी के रूप में भी सर्व करता था यंग मैन जो भी ट्वेंटी से ऊपर की हैं उन्हें एक टाइम के लिए मिलिट्री सर्विस देनी होती थी और एक मॉडर्न मिलिट्री फोर्स को डेवलप करा गया था अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं क्या रिफॉर्म्स करी गई थी गवर्नमेंट ने एक लीगल सिस्टम सेट करा ताकि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या फिर मीटिंग्स कंट्रोल करनी है या फिर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगानी है स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगानी है तो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके इन सभी से क्या हुआ ओपोजिशन भी आया कि ओपोजिशन में भी लोग खड़े हो सकते हैं ऑपोजिशन का क्या मतलब होता है जैसे कि आज के टाइम में ऑपोजिशन पार्टी होती है तो इस टाइम पे ऑपोजिशन भी एमर्ज हो पाया इन रिफॉर्म्स के वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन हुआ इकोनॉमी का और ये ज़रूरी भी था मीजी रिफॉर्म्स के अंदर ये हमने देखा फंड्स रेज किए गए एग्रीकल्चर टैक्स लगा के पहली रेलवे लाइन जो ले करी गई थी कंस्ट्रक्ट करी गई थी वो टोक्यो से योकोहामा तक ले करी गई थी 1870 से 1872 के बीच मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप सिंपल सी बात है फॉरेन टेक्नीशियंस को भी बुलाया गया ताकि वर्कर्स को ट्रेन किया जा सके और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में वो पढ़ा सके इवन जापानी स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजा गया एटीन सेवेंटी टू में मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च करा गया गवर्नमेंट ने कंपनीज को जैसे मित्सुबिशी आपने ये नाम सुना होगा मित्सुबिशी सुमितोमो इन कंपनीज़ को क्या करा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी और कुछ टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करे ताकि ये बड़े बड़े शिप बिल्डर्स बन सके बहुत बड़ी बड़ी ये कंपनीज़ बन सके टिल द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ झाइबादसु झायेबादसू क्या होता है बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें एक फ़ैमिली कंट्रोल करती है उन्हें जायबादसू कहते हैं तो वो जापान की इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहे थे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई पैंतीस मिलियन 1872 में थी और फिफ्टी फाइव मिलियन हो गई 1920 तक तो देख सकते हो पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा इंक्रीज या राइज देखने को मिला गवर्नमेंट ने माइग्रेशन को इन्श्योर करा इंकरेज करा कि भाई माइग्रेट करो एक जगह में ताकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो जाए पॉपुलेशन को कम करने के लिए ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो एक इलाके में पहले क्या हुआ माइग्रेशन को इंक्रेज करा गया था नॉर्दर्न आइलैंड यानी कि सबसे ऊपर वाला जो आइलैंड है होकाइडो वहाँ पर इंकरेज करा गया था बट बाद में हवाई और ब्राज़ील के अंदर भी बोला गया कि तुम यहाँ पर भी जाओ इससे क्या हुआ कोलोनियल एम्पायर ग्रो होने लग गया जापान का जापान भी अब कोलोनाइजेशन करने लग गया था आपने सुना होगा या फिर मैं आपको बता देती हूँ जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर भी जापान ने कोलोनाइजेशन किया था और साथ ही साथ कोरिया के अंदर भी इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी लोग अब टाउन्स में जाने लगे मूव करने लग गए सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल वर्कर्स 1870 में जो वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे थे उनका नंबर था अप्रॉक्सीमेटली सेवन लाख, लेकिन 1913 तक ये नंबर इंक्रीज होके गए फोर मिलियन तक पहुंच गया था वो वर्कर्स एम्प्लॉयड थे यूनिट्स के अंदर और उन यूनिट्स के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और कोई मशीनरी भी नहीं होती थी आधे से ज्यादा जो एम्प्लॉय थी जो वर्क जो उन फैक्ट्रीज के अंदर वर्क करती थी वो विमेन होती थी सबसे पहली मॉडर्न स्ट्राइक 1886 के अंदर हुई थी नाइनटीन के बाद ही ऐसा देखने को मिला कि जो मेल वर्कर्स है ना वो वेमेन से ज़्यादा है यानी कि मेल वर्कर्स का नंबर मोर देन फीमेल वर्कर्स फैक्ट्रीज़ का साइज़ पहले तो बहुत छोटा होता था पाँच से भी कम वर्कर्स ही काम करते थे लेकिन बाद में ये फैक्ट्रीज जो थी वो बढ़ बढ़ने लगी एक्सपैंड होने लगी और जो वर्कर्स का नंबर है वो हंड्रेड वर्कर्स तक पहुंचने लग गया अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला जापान के अंदर भाई इंडस्ट्रीज बन रही है तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो इसके वजह से क्या हुआ नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड आई जैसे कि टिम्बर वगैरह की और साथ ही साथ इन्वामेंट डिस्ट्रक्शन भी होने लग गया एक पर्सन थे तनाका शोजो उन्होंने सबसे पहला प्रोटेस्ट करा था अगेंस्ट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कि भाई बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते जा रहे हैं तो ये स्ट्राइक उन्होंने करी थी ये प्रोटेस्ट उन्होंने करा था 1897 में और इसके अंदर लगभग 800 विलेजर्स भी इसके अंदर शामिल हुए थे ना नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रेसिव नेशनलिज्म मीजी कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट क्रिएट कर दी थी जिसे डाइट बोला जाता था ठीक है उसके पास बहुत कम ही पावर थी लिमिटेड पावर ही दी गई थी डाइट को जो लीडर्स जिन्होंने मीजी गवर्नमेंट को रिस्टोर करा उनके पास अब पावर आ गई थी दे कंट्रोल द पावर उन्होंने पोलिटिकल पार्टीज फाउंड करी अपनी अपनी और मिनिस्ट्रीज भी बना दी धीरे धीरे क्या हुआ उनके हाथ से पावर छिंदी चली गई और नेशनल यूनिटी के पास आवर, पावर आ गई उन्होंने कैबिनेट्स बना दिए अपने पार्टी लाइंस के हिसाब से अब एम्पर जो थे ना वो कमांडर थे आर्मी के इट वॉज इंटरप्रेटेड दैट आर्मी एंड नेवी हैड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और ऐसा माना जाता है कि आर्मी और नेवी उनके पास उनकी खुद की पावर होती थी और वो इंडिपेंडेंट होती थी अपनी मनमानी कर पाती थी 1899 में क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया कि सिर्फ मिलिट्री जनरल्स और एडमारल्स ही मिनिस्टर्स बन सकते भाई ये तो बहुत गलत बात है ऐसा कैसे कर सकते थे वो तो इससे क्या हुआ आर्मी स्ट्रेंदन हुई अब एक और रीज़न माना जाता है आर्मी को स्ट्रेंदन करने का कि वेस्टर्न पावर्स के हाथ में या फिर जापान के ऊपर कोई अपनी कॉलोनी ना बना ले इस डर से भी मिलिट्री को या फिर आर्मी को पावर्स दी गई थी आर्मी को स्ट्रेंथन करने का एक रीजन ये भी था लोगों का अलग अलग व्यू है जापान के रिलेशनशिप को लेके दूसरे देशों के साथ लोगों का अलग अलग मानना है कुछ इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि फुकुजावा जावा कहते हैं कि जापान को एक्सपेल कर देना चाहिए एशिया को इसका क्या मतलब है कि जापान को अपनी एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ देनी चाहिए और वेस्ट का पार्ट बन जाना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन कहती है मतलब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ऐसे कैसे हम एक्सेप्ट करते वेस्टर्न आइडियाज़ को एक फिलोसोफर थे मियाकी सेत्सुरे ठीक है उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि हर एक नेशन को अपना कुछ स्पेशल टैलेंट जो है वो डेवलप करना चाहिए और अपनी वर्ल्ड सिविलाइजेशन के अंदर मतलब पूरे दुनिया में उस टैलेंट को हाईलाइट करना चाहिए कुछ दूसरे लोगों का मानना था कि हमें है ना डेमोक्रेटिक होना चाहिए ना कि मिलिट्री के हिसाब से चलना चाहिए हमें मिलिट्री का डोमिनेंस हटा के एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी चाहिए वो 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 लो लोग थे 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 जो वेस्टर्न लिबरलिज्म से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड एक पर्सन यूकी इमोरी वो लीडर पॉपुलर राइट्स मूवमेंट के उन्होंने क्या डिमांड करा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी जाए हमारे देश के अंदर कुछ दूसरे ग्रुप्स भी थे जिन्होंने कहा कि भाई नहीं वीमेन्स को भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए इससे क्या हुआ गवर्नमेंट फोर्स हो गई एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस करना पड़ गया गवर्नमेंट को इसके वजह से अब हम समझेंगे कि भाई जापान की डेली लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे चेंजेस आ रहे थे ये चीज लोगों की डेली लाइफ में भी देखने को मिल रही थी पहले पेट्रियॉर्कल फैमिली सिस्टम फॉलो किया जाता था पेट्रियॉर्कल फैमिली सिस्टम क्या होता है जिसमें डिसेंट फादर टू सन ट्रेस होता है लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम देखने को मिलता था एक नया कंसेप्ट आ गया था इस फैमिली सिस्टम में तो इससे क्या हुआ लोगों की अलग अलग डिमांड्स आ गई थी लोग अलग अलग डोमेस्टिक गुड्स डिमांड करने लगे थे अलग अलग तरीके का घर वो चाहते थे अलग अलग सोर्सेज ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट की लोग अब डिमांड करने लग गए थे यानी कि डेली लाइफ के अंदर भी चेंजेस आ रहे थे यानी कि सोसाइटी मॉडर्न हो रही थी ये चीज़ हमें लोगों की लाइफ से भी पता चलती है 1943 में एक सिंपोजियम हुआ ओवरकमिंग मॉडर्निटी इस टॉपिक पे जापान के अंदर अब सिंपोजियम क्या होता है भाई सिंपोजियम का मतलब है एक मीटिंग लोगों के ओपिनियन को जानने के लिए जो की जाती है दैट इज सिंपोजियम सो so, इस टॉपिक के ऊपर हुआ ओवरकमिंग मॉडर्निटी इस चीज़ में क्या बात होती थी लोग डिबेट करते थे कि कैसे हम मॉडर्न हों और मॉडर्न होने के साथ साथ हम वेस्ट का सामना भी कर सकें ठीक है तो इस टॉपिक के ऊपर लोगों के बीच एक सिंपोजियम हुआ था नाइनटीन में मोरोई सबूरो एक कंपोज़र थे म्यूजिक कंपोज़र थे उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि कैसे हम म्यूज़िक को रेस्क्यू करें आर्ट ऑफ सेंसरी स्टमुलेशन से और उसे रिस्टोर करें आर्ट ऑफ स्पिरट तक इसका क्या मतलब है कि वो रिजेक्ट कर रहे थे कि हम जापनीज़ म्यूजिक को वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में कंपोज नहीं करेंगे एक फिलोसोफर थे निशितानी तानी केजी उन्होंने मॉडर्न टर्म को डिफाइन करा क्या मतलब था मॉडर्न का उनके हिसाब से उन्होंने बोला मॉडर्न होने का मतलब क्या है कि तीन थॉट्स का तीन वेस्टर्न आइडियाज का कॉम्बिनेशन क्या थे वो तीन वेस्टर्न आइडियाज या स्ट्रीम्स रेनेसा रिफॉर्मेशन एंड राइज ऑफ नेचुरल साइंसेस ठीक है उनके अकॉर्डिंगली ये मानते थे वो मॉडर्न का मतलब उन्होंने ये भी बोला कि जापान है ना कॉलोनिज्म से बच पाया यानी कि यूरोपियन कंट्रीज ने जापान के ऊपर अपनी कॉलोनीज नहीं बताई किस वजह से ऐसा हुआ जापान की मॉरल एनर्जी के वजह से जापान सिर्फ अपनी मॉरल एनर्जी के वजह से ही उस कॉलोनलिज्म से बच पाया है और अब ये जापान की ड्यूटी बनती है एक नया ऑर्डर एस्टेब्लिश करना एक ग्रेटर ईस्ट एशिया बनाना तो ये आप इमेज देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे तो ये डिस्ट्रक्शन की इमेज है कैसे जापान का डिस्ट्रक्शन हुआ था हमें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया था यूएसए ने बॉम्बार्डमेंट कर दी थी जापान के अंदर तो उसके बाद का ये डिस्ट्रक्शन की इमेज आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था हिरोशिमा और नागासा दो जगह पर बॉम्बार्डमेंट्स हुई थी तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि कैसे इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद वापस से जापान एक इतना बड़ा मॉडर्न देश बन पाया इतना स्ट्रॉन्ग देश बन पाया तो नेक्स्ट टॉपिक इज री एमरजेंस ऑफ जापान एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर सो हमें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया था और उसके बाद जापान को डीमिलिटराइज कर दिया गया यानी कि जापान की मिलिट्री को हटा दिया गया अब मिलिट्री के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था और एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल नाइन है वो आपको याद रखना है ये नो वॉर क्लॉज को क्लेम करता है इसका क्या मतलब है कि कोई भी वॉर का यूज नहीं करेगा मतलब जापान के अंदर वॉर का यूज नहीं होगा स्टेट पॉलिसी के अंदर यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी प्रिंसिपल नहीं होगा कि हम वॉर करेंगे किसी भी कंट्री के साथ तो ये आर्टिकल नाइन के अंदर दिया गया था नो वॉर क्लॉज अब जापान के अंदर एग्रेरियन रिफॉर्म्स करे गए यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स करे गए और वापस से ट्रेड यूनियंस एस्टब्लिश करे गए सेटअप करे गए और एक अटेम्प्ट करा गया कि ये जो जायबाद सू थे ना जो मैंने आपको बताया था मोनोपली हाउसेस थे इनको हटाया जाए मतलब इनकी डोमिनेंस को ख़त्म करा जाए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई थी अब वापस से देखने को मिली थी उनका दोबारा से रि एमरजेंस हुआ था सो so, नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शंस हुए 1946 में और राइट तो वोट दे दिया गया अब विमेन को भी वापस से जैपनीज इकोनॉमी अब उठ खड़ी हुई थी इतनी बुरी डिफीट के बाद इसे पोस्ट वॉर मेराकल भी बोला जाता है तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वट वॉज पोस्ट वॉर मेराकल एक्सप्लेन तो आपको बताना है कि कैसे जापान री एमर्ज हुआ एज ग्लोबल इकोनॉमिक पावर आफ्टर डिफीट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर सो इसकी रूट हमें बहुत लंबी हिस्ट्री में देखने को मिलती है अब क्या हुआ वियतनाम में कोरिया के अंदर वॉर्स चल रही थी तो उससे क्या हुआ डिमांड्स हो रही थी वेपन्स वगैरह की तो उस डिमांड को कंट्रोल करा जापानीज इकोनॉमी ने यानी कि जापान ने सप्लाई करे थे वेपन्स तो इस चीज़ से भी जापानीज इकोनॉमी बूस्टअप हुई थी 1964 में क्या हुआ टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स हुए तो इस चीज़ को भी इस पर्टिकुलर मूवमेंट को भी मार्क किया जाता है एज री एमरजेंस ऑफ जापान कि भाई यहाँ से जापान वापस से री एमर्ज होने लग गया था एज ग्लोबल इकोनॉमिक पावर सिमिलरली शिंकानशिन जिसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क इन शिकांशि का ले किया गया था इससे क्या पता चल रहा है कि जापान अब एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज करने लग गया था तो ये आप देख सकते हो ये एक चिंकन की इमेज है जिसे हम बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं जापान तो फेमस ही बुलेट ट्रेन के वजह से है ठीक है और जापान के अंदर अब फिलहाल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है एडवांसमेंट्स है वी ऑल नो अबाउट इट अब क्या हुआ प्रॉब्लम्स आने लगी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से अब इसकी वजह से लोगों की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता था इन्वायमेंट अब डिग्रेड होने लग गया था सो कैडियम पॉइजनिंग वॉज फॉलोड बाई मर्कनी पॉइजनिंग इन मीना माता एक जगह है यहाँ पर कैडमियम पॉइजनिंग और मर्कनी पॉइजनिंग देखने को मिली नाइनटीन सिक्सटीज़ में एयर पॉल्यूशन के वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई नाइनटीन सेवेंटीज़ में नाइनटीन सिक्सटीज़ में सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स देखने को मिले इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी इन्वामेंट की उसके वजह से प्रेशर ग्रुप्स अब देखने को मिलते थे प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं भाई जो पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड करते हैं तो उनको प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं तो प्रेशर ग्रुप्स डिमांड करने लगे थे कि भाई इन प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन निकालो विक्टिम्स को कम्पनसेशन किया जाना चाहिए कम्पेंसेट करो विक्टिम्स को उनको कंपेन्शन मिलना चाहिए नाइनटीन एटीज़ में क्या हुआ गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉग मेजर्स लिए ताकि इस इन्वायरमेंटल इश्यूज के साथ डील किया जा सके तो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था जापान मॉडर्नाइजेशन के चक्कर के वजह से सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जापान वाला पूरा कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है सो पार्ट टू के अंदर मैं आपके रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो कवर कर दूंगी सो पार्ट टू की आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए इस वजह से जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए एंड और बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेटलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आ, मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं इग्नाइटेड फ्यूचर एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल वहाँ पर आपको इन सभी नोट्स के पी मिल जाएंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बाय